Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. Hi friends, welcome to the desk, Deva English Spoken Class. Friends, future and definite tense finish ho gaya hai, but aaj ka hamara jo class hai, all forms of the future tense hai. Theek hai? Future tense is finished. And today I will teach you, I will show you the all forms of the verb. Okay friends, sab kuch to maine padha hi diya hai, but all forms means for revision, only for revision. Okay friends, ye video banane ka means jo main all forms ka video banata hu uska sirf yahi uddeshya hai banane ka, yahi view hai mera ki aapka revision ho jaye, ek hi video mein pure tense ka revision ho jaye. Okay friends, so let's start the class of the day. शुरू करने से पहले हम सबसे पहले, जैसा कि हर वीडियो में देखते हैं एक कन्वर्सेशनल वीडियो, इंग्लिश कन्वर्सेशनल वीडियो. ठीक है फ्रेंड्स, तो वॉच. ओके अंजलि, देयर विल बी अ ग्रेट फन. यस, लुक लुक देयर, प्रीति दीदी एंड श्रेखा दीदी. ओए प्रीति, ओए श्रेखा, वेट वेट वेट, आई एम कमिंग. हाय प्रीति. Hi. How are you? Fine. Hi, Shreya. How are you? I'm very well, and you? I am also very well. What about the visiting the exhibition in evening? Exhibition? Yes. Science and computer exhibition at the Nehru Center. Yes, yes. I know this exhibition. My friend told me about this exhibition. I hear a great deal about it. Will you take me to the exhibition? Yes, my dear. I will. I will. So, Shreya. Let's go at 5 o'clock in evening. Okay, I will call you at 4 o'clock. What do you say, Prithi? Okay. Okay? Okay. So, I will wait for your call. Be ready and don't forget to call me at 4 o'clock, okay? Okay. Bye. 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 Okay, friends. Friends, मैं एक बार फिर से आपसे कहना चाहूँगा कि इसमें जो conversation कर रहे हैं English में, जो भी बातें कर रहे हैं लोग English में, वो students हैं, वो सीख रहे हैं और वो बातें करना शुरू कर चुके हैं, वो बातें करते हैं आपस में, जितना मतलब ज़रूरत पड़ता है उनको बात कर लेते हैं वो. मैं आपको ये वीडियो इसलिए दिखाता हूँ ताकि आपको भी मीन्स इससे प्रेरणा मिले कि हाँ, इस तरह से बोला जा सकता है, इस तरह से बात किया जा सकता है, हम भी क्यों नहीं कर सकते हैं सीख के. ठीक है फ्रेंड्स, इंग्लिश का क्लास है, इंग्लिश के क्लास में लिसनिंग, रीडिंग और स्पीकिंग, बोलने की कोशिश करना, ये तीन चीज़ें आप लेकर चलेंगे तो आप इंग्लिश ज़रूर बोलना सीखेंगे. ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए मैं मेकिंग फार्मूला सब बताता हूँ, सेंटेंस कैसे बनाते हैं, ट्रांसलेशन बताता हूँ आपको, और आपको लिसनिंग का भी इसी वीडियो में मिल जाए. इसके लिए अगर मतलब ज़्यादा अच्छा होगा ना, अगर आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको कुछ ज़्यादा मिले तो. ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं. आज मैंने यह सेंटेंस पहले से लिख कर रखा हुआ है, वह तुम्हारी मदद करेगा, तो ही विल हेल्प यू. ठीक है फ्रेंड्स, अगर फ्रेंड्स अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे वीडियो को, तो आप भी नोटबुक में आप पहले से मैंने सेंटेंस लिख रखा है, आप पहले से बना के रखो और टैली करो मुझसे, क्या सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है. ठीक है फ्रेंड्स, आप इससे ज़्यादा मतलब आपको आइडिया मिलेगा, खुद को कॉन्फिडेंट होगा कि हाँ मैं सही बना रहा हूँ, तो आपको कॉन्फिडेंट आएगा मैं सीख गया हूँ. ठीक है, वह तुम्हारी मदद नहीं करेगा तो ही वॉन्ट हेल्प यू. He won't help you. He will not help you भी हम लिखते हैं, और this is a short form, okay? क्या वह तुम्हारी मदद करेगा? Will he help you? वह तुम्हारी मदद क्यों करेगा? तो why will he help you? ठीक है friends, बहुत ही आसान है, इसमें कोई ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तो हम बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे. नेक्स्ट टॉपिक क्या था हमारा? डबल सेंटेंस वाला. ओके ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सेंटेंस मैंने लिख के रखा है डबल सेंटेंस वाला, आप देखते हैं एक एक करके हम बनाते हुए चलते हैं. अगर तुम दवाई लोगे तो जल्दी ठीक हो जाओगे, तो अगर तुम इफ यू टेक, दवाई लेना मीन्स टेक, दवाई खाना मतलब ईट मेडिसिन हम नहीं बोलते हैं, टेक मेडिसिन बोलते हैं, क्योंकि हम उसको लेते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, इफ यू टेक मेडिसिन यू विल
get well soon. You will get well soon. Friends, यहाँ पर if you take medicine, you will get well soon. ठीक है friends? If you take medicine, you will get well soon. जब मैं तुम्हारे घर आऊंगा तो कुछ लाऊंगा. When I come to your house, I'll bring something. जब मैं तुम्हारे घर आऊंगा तो कुछ लाऊंगा. When I come to your house, I'll bring something. Okay, friends? अगर बारिश होगी तो किसान खुश होंगे. If लिखेंगे if it rains, अगर बारिश होती है यानी होगी तो किसान खुश होंगे. Farmer will be happy. ठीक है friends? Friends, इस तरह के sentences बनाते वक्त कुछ students यह गलतियां करते हैं, उसमें वो then, so ऐसा लगा देते हैं. वो लगाने की जरूरत नहीं है. अगर अगर तुम दवाई लोगे तो बोलते हैं तो के लिए इंग्लिश क्या लिखेंगे. तो के लिए इंग्लिश कुछ नहीं लिखना है इसमें. बस आपको सेंटेंस बनाना है इफ यू टेक मेडिसिन यू विल गेट वेल सून. उसमें वो क्या करते हैं देन लगा देते हैं, सो लगा देते हैं, बोलते हैं सर तो के लिए तो इंग्लिश लिखना. नहीं, कोई जरूरी नहीं है. आप बस ऐसे ही बोल दो जैसे मैं ये बता रहा हूँ. ये ठीक है. ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा हुआ ऑल फॉर्म्स ऑफ द फ्यूचर टेंस. ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपका रिवीजन हो गया होगा अच्छी तरह से, और जो कुछ भी कुछ कसर बाकी रहा होगा वो आज दूर हो गया होगा. ठीक है फ्रेंड्स. फ्रेंड्स, मैं उन सारे सब्सक्राइबर्स को, मेरे जो 450 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं, और उन सारे सब्सक्राइबर्स को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया. बट सिर्फ सब्सक्राइब करने से काम नहीं चलेगा फ्रेंड्स, आप देखो भी. अगर आप रोज़ वीडियो देखोगे तो आप जो चाहते हो मीन्स इंग्लिश सीखना अगर चाहते हो तो आप इंग्लिश सीख जाओगे. ये मेरा वादा आपसे कि अगर आपने रेगुलर वीडियो देखा, रोज़ का वीडियो देखा, और उसमें जो भी टास्क दिए जाते हैं वो पूरा किया, इंस्ट्रक्शंस जो भी मैंने दिए हैं वो आपने उस हिसाब से किया, सब कुछ एक्ट किया, उस पर विचार किया, अमल किया, तो आप एक दिन इंग्लिश बोलना ज़रूर सीखेंगे. ठीक है फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद.